अस्सलाम वालेकुम, मायसेल्फ फैसल शब्बीर। क्या हाल चाल हैं, सब ठीक ठाक हैं? तो व्हाट्सएप जो आज हमारी ज़िंदगियों में बड़ी चंगी तरह घुल मिल चुका है, आप में से बेशुमार लोग व्हाट्सएप के आने वाले नए नए फीचर्स का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको व्हाट्सएप के 6 ऐसे फीचर्स के बारे में गाइड करूंगा, जिनमें से 3 यूजफुल फीचर्स व्हाट्सएप में ऑलरेडी आ चुके हैं, आप में से बहुत से लोग जानते हैं और यूज कर रहे हैं, और इसके अलावा 3 कमाल के आने वाले फीचर्स के बारे में भी बताऊंगा जो व्हाट्सएप में बहुत जल्द आने वाले हैं, जिन्हें यूज करके आप उनसे भरपूर फायदा हासिल कर सकेंगे। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और गौर से सुने, इंशाल्लाह इन फीचर्स को देखने के बाद, जान लेने के बाद आपका व्हाट्सएप एक्सपीरियंस पहले से ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो WhatsApp का मोस्ट अवेटेड फीचर चैट लॉग Apple और Android दोनों डिवाइसेस में आ चुका है। आपने जिस कॉन्टेक्ट की चैट को लॉक करना है उसके नेम पे क्लिक करें, यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिलेगी चैट लॉक। इसको ऑन करते ही इस पर्सन की चैट न सिर्फ लॉक हो जाएगी बल्कि आपके चैट पेज से भी हाइड हो जाएगी, वो आपको चैट पेज पे बिल्कुल नजर नहीं आएगी। आपने दोबारा जब इसे देखना होगा तो अपने चैट पेज को हल्का सा नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉक चैट की ऑप्शन नजर आएगी। इस पे क्लिक करते ही आप अपनी फेस आईडी या पासवर्ड लगाएंगे, उस बंदे की चैट आपके सामने आ जाएगी। इस तरह आप अपनी पर्सनल चैट्स को लॉक कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। अगर आपके व्हाट्सएप में आपको ये ऑप्शन नजर नहीं आ रही तो फौरन अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लें। पहले जब भी आप व्हाट्सएप पर किसी को कोई मैसेज भेजते थे उसमें अगर कोई गलती हो जाती, मिस्टेक हो जाती, तो आप उस मैसेज को डिलीट करके दोबारा लिख के भेजते थे या फिर उस गलत वर्ड के साथ स्टार लगा के दोबारा भेजते थे। लेकिन अब व्हाट्सएप के अंदर एडिट मैसेज की ऑप्शन आ चुकी है। आपने कोई भी मैसेज भेजा है, आप 15 मिनट के अंदर अंदर उसी मैसेज को दोबारा री एडिट करके सेंड कर सकते हैं। आपने अपने जिस भेजे हुए मैसेज को एडिट करना है, सही करना है, उस पर टैप एंड होल्ड करें, आपके सामने एडिट की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पर उस मैसेज को जैसे चाहें दोबारा एडिट करें, अपनी मिस्टेक को सही करें और अगेन सेंड कर दें। इससे आपको आपका मैसेज ना डिलीट करना पड़ेगा ना दोबारा स्टार के साथ भेजना पड़ेगा, वही मैसेज आपका एडिट होके अगेन चला जाएगा। और ये मैसेज एडिट की ऑप्शन एप्पल और एंड्रॉयड दोनों में आ चुकी है। अगर आपके पास शो नहीं हो रही तो इसे अपडेट कर लें। व्हाट्सएप पर अननोन कॉल्स और फेक कॉल्स का बहुत बड़ा इशू है, जिनको रिप्लाई करके, जिनसे बात करके अक्सर आपके और आपके घर वालों के अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। तो व्हाट्सएप ने इन अननोन कॉल्स के लिए आपके व्हाट्सएप की सेटिंग में प्राइवेसी मेन्यू में एक ऑप्शन दे दी है, साइलेंट अननोन कॉल्स। इस ऑप्शन को हमेशा के लिए ऑन कर दें। इसके बाद आपके पास जब भी किसी अननोन नंबर से कॉल आएगी तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन इसकी हिस्ट्री आपको कॉल मेन्यू में मिल जाएगी। इसके बाद जब चाहे, अगर आपको ये नंबर ट्रस्टेड लगे, आप इससे बात करना चाहें, रिप्लाई करना चाहें, तो आप खुद ये काम कर सकते हैं। तो ये थे वो फीचर जो व्हाट्सएप में आ चुके हैं, लोग इन्हें यूज करके अपने व्हाट्सएप एक्सपीरियंस को पहले से बेटर बना रहे हैं। तो चलें अब बात करते हैं उन 3 अमेजिंग फीचर्स के बारे में जो बहुत जल्द व्हाट्सएप में आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। व्हाट्सएप के अंदर बहुत जल्द एक अमेजिंग फीचर आने वाला है, मल्टी अकाउंट्स। पहले व्हाट्सएप ने फीचर लॉन्च किया था मल्टी डिवाइसेस के नेम से, अब आ रहा है मल्टी अकाउंट्स। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम के मल्टी अकाउंट्स को रन करते हैं अपने एक ही ऐप के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही आप अपने एक ही व्हाट्सएप के अंदर 1, 2, 3 या मैक्सिमम 5 फोन नंबर्स को एक्टिव रख सकेंगे। और मेरे ख्याल से व्हाट्सएप का ये फीचर बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है और बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, और बहुत जल्द ये फीचर आपको व्हाट्सएप के नई अपडेट में मिल जाएगा। व्हाट्सएप के अंदर बहुत जल्द एक और नया अमेजिंग फीचर आ रहा है स्क्रीन शेयरिंग के नाम से, जो स्टूडेंट, टीचर्स, प्रोफेशनल्स, कंटेंट क्रिएटर्स, ऑफिस वर्कर्स, बल्कि हर तरह की कैटेगरी के पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। ये फीचर अवेलेबल होगा आपके वीडियो कॉल्स के दौरान। जब भी आप वीडियो कॉल्स कर रहे होंगे, कॉल के दौरान ही आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को इजीली शेयर कर सकेंगे, जिसके ज़रिए आप अगले पर्सन को अपनी बात बड़ी आसानी से समझा सकेंगे, अपने फ़ोन की स्क्रीन शेयर करके उसे प्रॉपरली उस चीज़ के बारे में गाइड कर सकेंगे। तो व्हाट्सएप का ये नया फीचर स्क्रीन शेयरिंग बहुत जल्द आपको व्हाट्सएप की किसी आने वाली अपडेट में मिल जाएगा। व्हाट्सएप के अंदर बहुत जल्द एक और नया फीचर, बल्कि एक नया आइकन ऐड किया जा रहा है। आप जिस कॉन्टैक्ट के साथ चैट करना चाहेंगे उसकी चैट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स के साथ आपको वीडियो कैमरे का आइकन दिया जा रहा है, जिस पे क्लिक करके होल्ड करते ही आप उस पर्सन को वीडियो मैसेज भेज सकेंगे। ये व्हाट्सएप का एक छोटा सा फीचर है, आप ये काम पहले भी कर सकते थे, कैमरे वाले आइकन पे क्लिक करके वीडियो पे आके उस पर टैप एंड होल्ड करते थे, देन आप मैसेज फॉरवर्ड करते थे। लेकिन अब आपको चैट बॉक्स के अंदर ही वीडियो कैमरे का आइकन दिया जा रहा है, और व्हाट्सएप के अंदर ये अपडेट, ये फीचर
बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो ये थे WhatsApp के कुछ आ चुके और कुछ आने वाले यूजफुल और अमेजिंग फीचर्स। आप इनमें से किस फीचर को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, कौन सा फीचर आपके लिए नया था और किस फीचर का आपको इंतजार रहेगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामुअलैकुम।